नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि शोर मचाना और नियमों का उल्लंघन करना समाजवादी पार्टी के DNA में है। मच्छर जनित रोगों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बृजेश पाठक बुधवार को विधानसभा में अखिलेश यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा वे खुद प्रतिदिन 3-4 अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा उनके मंत्री 5 सालों में 5 अस्पताल नहीं पहुंच सके। डेंगू पूरी तरह से काबू में है। हमें डेंगू सहित सभी बीमारियों की गंभीरता का अंदाजा है। स्वास्थ्य महकमा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा रहा है। साल 2017 से पहले अस्पतालों की जो हालत थी, विपक्ष को उसकी तुलना आज की तस्वीर से करनी चाहिए। आज का न्यू उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। बुधवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने सदन में कहा कि वर्ष 2017 से पहले किसी सरकार ने संचयी रोग अभियान को लेकर कोई कदम नहीं उठाया था। हमारी सरकार ने 13 विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर प्रदेश में साल भर में 3 बार व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर बीमारियों पर काबू पाया। पाठक ने कहा शोर मचाना और नियमों का उल्लंघन करना समाजवादी पार्टी के DNA में है। मच्छर जनित रोगों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। यह लोग जनता को गुमराह कर हथियार के बल पर शासन चलाते थे। आज भाजपा शासनकाल में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। पिछली सरकार में सपा के लोग अस्पताल और चिकित्सकों से वसूली करते थे। उन्होंने कहा राजकुमार को ये होश नहीं कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। सपा शासन में ब्लड सेपरेटर मशीन केवल बड़े जिलों में उपलब्ध होती थी। हमारी सरकार ने सभी जनपदों में ब्लड सेपरेटर मशीनें उपलब्ध कराई। सपा शासन में कुछ ही जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध थी। भाजपा सरकार ने हर जिले में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई। समाजवादी पार्टी की सरकार में गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का कहर था। हमारी सरकार ने संचयी रोग चलाकर 100% इस रोग पर काबू पाया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। आज अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा जो प्रदेश के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचे को और मजबूत करेगा। जो विभिन्न हमारी कार्ययोजनाएं हैं उनको हम पूरा करेंगे और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा पहनाने का हम इस बजट के माध्यम से काम करने वाले हैं। सर, उत्तराखंड में रेस्क्यू हुआ है, 41 वर्कर्स टनल से निकाल लिए गए सफलतापूर्वक, तो हम उत्तराखंड में जो घटना घटी है हम इसे ईश्वरी कृपा मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने जो अद्भुत काम किया है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने जो अद्भुत काम किया है, सबसे बड़ी बात थी जो हमारे मजदूर जो फंसे थे उनको निकालने में अंत में हमारे मजदूर भाई ही पूरी ताकत लगाए और जब ईश्वर की कृपा हुई तो धीरे 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 जिस ढंग से हमारे मजदूर भाइयों ने उसको खोद करके निकाला है, वास्तव में यह ईश्वरी गति ही थी कि सब लोग सुरक्षित हैं। हम ईश्वर का धन्यवाद अदा करते हैं। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे पंजाब केसरी .com।